अच्छा तो 60 ईयर्स 60 साल के हो गए, 64 से ना। अच्छा एक चीज बताओ, आप 60 साल के हो गए, आप हम दो बच्चे भी हैं अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से चालू भी, अच्छे से अपना काम करी जिंदगी में, हम मैं भी काम कर रहा हूँ, कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो भी रह गई हो अधूरी, जो आपकी ख्वाहिश होता ना कि ख्वाहिश कुछ नहीं है, कोई तो ख्वाहिश ऐसे कोई बस आ जानो ये चीज हो जाए, ये चीज कर लो या तुम लोग कर लो या ये चीज, कुछ ऐसी ख्वाहिश कोई कुछ नहीं है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। सबसे शुक्रगुजार पापा तो है, ये तो है जो है जैसा है उसमें पापा शुक्रगुजार खुश है कि नहीं। हाँ इमोशनल नहीं, हंसो कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं फिर कुछ नहीं, पक्का चलो आप ही गिफ्ट कर देंगे आपको, ठीक है? बजरंग किराना, बजरंग किराना पापा को भोपाल याद है पूरा, क्यों याद है? अम्मी से पूछे, अम्मी को भोपाल में क्या याद है, अम्मी बोलेंगे कलेक्शन, प्रिया कलेक्शन बोट क्लब और वो इब्राहिमपुरा नहीं नदीम रोड, नदीम रोड अम्मी का तो शुरू से अभी भी मंगवाती है ना तो क्या याद आ रहा है? मुझे सब याद है, मुझे बचपन बाप बीता है, मुझे सब याद है, आपको भाई अपर लेक याद आता है, अपर लेक बोट क्लब, शकील भाई का जिम, राजू की चाय, वो और बस स्टैंड हम लोग रात में चुप चुप के जाया करते थे पढ़ने जाते थे। पापा पापा पहुंच ले भी नहीं, तो सुन लो कह रहा मैं पढ़ने जाता था आपसे बोल के और दोस्तों के साथ बस स्टैंड चला जाता था। अच्छा अब नहीं डांटोगे? पढ़ाई बोल के मैं पकड़ के मोहल्ले में, कौन था आपके एक दोस्त? इमरान। इमरान जाके बताओ बस स्टैंड निकल जाता था। नहीं नहीं पहले मैं 2 घंटे पढ़ाई करता था, 2-3 घंटे पढ़ के फिर सुबह सुबह 5 बजे के आसपास पहुंच जल्दी खाने के लिए हम लोग बस स्टैंड जाते थे। सीधा रहा है कि नहीं सही बताना, सीधा है पहले, पहले सही बता दे पापा। हाँ सीधा था। क्या शिकायत आई थी? कोई तो किसी लड़के की तरफ से बोल गए, किसी लड़के की तरफ से मतलब पूरे साल में आपका भाई स्कूल गया है तो कितने बार शिकायत आई स्कूल से? एक बार हमने खुद जाके पता किया था, उस लड़के ने कुछ की लड़के भी पता किया था, दोस्ती दोस्ती यारी में झगड़ा कर लिया था, दोस्त का साथ में तो उस चक्कर में झगड़ा हो गया था, बाकी तो मैं तो खेल ही रहा हूँ। लेकिन भाई मुझे उधर याद है, पापा ने आके तुम्हें कुछ ना बोला ना कुछ, आते साथ एक भाई ने कुछ नहीं, कोई भी हो पापा के सामने चुपचाप सब खड़े थे, ज्यादा नहीं मारते, बिगड़ जाता सही अच्छे के लिए मारते हैं माँ बाबा, चेली मारते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, दुआ करते हैं हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाए और एक बेहतरीन इंसान बन पाए। आज के व्लॉग में हमने देखा किस तरीके से पूरी इब्राहिम फैमिली बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिप शुएब इब्राहिम ने सबके आने पे प्लान किया है, जिसमें सब लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं और जो दो स्पेशल लोग हैं जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम ट्रिप हुआ है वो है रूहान और मेहर। बाकी सब लोग ट्रिप पर आते रहते हैं, शुएब इब्राहिम बहुत पहले बेबी होने से पहले चीज़ें प्लान करते रहते थे, बट ये काफ़ी लंबे गैप के बाद है जिसमें सब लोग पूरी फैमिली के साथ साथ रूहान और मेहर भी इसको बहुत अंजे से इंजॉय कर रहे हैं। विला जो उन्होंने लिया है वो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करती हुई दीपिका और बहुत सारी नई चीज़ें रूहान के लिए वो ट्राई करने वाली हैं, और इसके साथ साथ पूरा परिवार एक साथ मिल के इतनी खुशी खुशी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहा है, पापा के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है सारी चीज़ें तो